तो दोस्तों ये कहानी एक ओल्ड लेडी की जो अपने फिजिकल नीड की वजह से कई सारे लोगों की हत्या कर देती है। अब आगे इस मूवी में क्या क्या होता है ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। इस फिल्म के शुरुआत में हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो एक घर के आसपास हुए मर्डर की जाँच कर रहे होते हैं, और जब वो यहाँ मौजूद एक घर के अंदर जाते हैं तब उसे वहाँ बेसमेंट में एक ओल्ड कपल की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है जिसकी कंडीशन काफी खराब होती है। और यहाँ से ये मूवी 24 आवर्स पीछे चली जाती है जहाँ मैक्सिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक एक्ट्रेस है, और वहीं हमें उसके बॉयफ्रेंड वैन को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोड्यूसर होता है, और ये अपनी टीम के साथ कई सफर कर रहे होते हैं। जिस टीम में मैक्सिन और वैन के अलावा चार और लोग होते हैं जिसका नाम बॉबी, जैक्सन, लॉरेन और आरजे होता है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि इनकी ग्रुप शॉर्ट फिल्म्स बनाने का काम करती है, और इसी के शूटिंग के लिए वो अपने न्यू लोकेशन पर जा रहे होते हैं, और ये वही लोकेशन होता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। उनके आते ही घर का ओनर हार्वर्ड वैन से बातें करता है जिनकी बातों से हम जान पाते हैं कि वैन ने उनके घर को कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया है। यहाँ हार्वर्ड को जरा भी आइडिया नहीं होता कि आखिर में वैन यहाँ क्या करने वाला है। वो बस वैन को घर पर रहने का रूल समझाता है और बताता है कि वो यहाँ अपनी वाइफ के साथ अकेला रहता है और वो नहीं चाहता कि उनकी प्राइवेसी को वो लोग इंटरवीन करें। इधर लॉरेन की नज़र हार्वर्ड की वाइफ पर पड़ती है जो उसे बड़े ही अजीब नज़रों से घूरे जा रही थी। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ लॉरेन वैन से पूछती है कि क्या हार्वर्ड को पता है कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। इस पर वैन बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और ये सब जानना उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है, हमें बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए और काम खत्म होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद पूरा ग्रुप अपने कामों में लग जाता है, जिसके बाद मैक्सिन घूमते हुए एक लेक के पास पहुँचती है और वहाँ नहाने लगती है। यहाँ दूर से हार्वर्ड की वाइफ जिसका नाम पर्ल होता है वो मैक्सिन पर नज़र रखे हुए थी, जिससे बेखबर होकर जब मैक्सिन अपने घर के पास आती है तब पर्ल उसे सामने से दिख जाती है। यहाँ मैक्सिन उसे हाई करती है जिस पर पर्ल उसे अपने घर के अंदर आने को कहती है और वो उसे अपने बारे में बताने लगती है। ऐसा करते हुए वो उसे वियर्डली टच करने की कोशिश करती है जिस पर मैक्सिन को अनकम्फर्टेबल फील होता है और वो वहाँ से भाग कर अपने ग्रुप के पास आ जाती है। वैन यहाँ मैक्सिन को बताता है कि अगला शॉट उसका ही है, इतना बोलकर वो उसे रेडी होने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ जब हार्वर्ड अपने घर लौटता है तब उसे पता चल जाता है कि कोई उसके घर में आया था, और ये देखकर वो वैन पर गुस्सा करता है और कहता है कि हमारे बीच पहले ही डील हो चुकी थी कि तुम लोग हमारे घर नहीं आओगे। वहीं अब पर्ल अपने आप को तैयार करती है और वो वापस से उस ग्रुप के ऊपर नजर रखने लगती है। इधर वो ग्रुप एक वीडियो के शूटिंग कर रहे होते हैं जहां मैक्सिन को जैक्सन के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं, और हमें यहां पता चलता है कि असल में ये ग्रुप किस टाइप की शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। खैर, यहां पर्ल उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वो सरप्राइजिंगली खुद को मैक्सिन की जगह इमेजिन करने लगती है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। पर यहां हार्वर्ड उसे ये सब करने से रोक देता है जिससे पर्ल दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस पूरे ग्रुप को देखते हैं जो अपना शूटिंग को खत्म करके साथ में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ लॉरेन कहती है कि उसे भी मूवी में काम करना है, जिस पर आरजे उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। इस पर वैन आरजे को अकेले में लेकर जाता है और उसे समझाने लगता है, जिस पर आरजे यहाँ मान जाता है। असल में लॉरेन आर्जन की गर्लफ्रेंड होती है और इसीलिए वो यहाँ नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड ये सब करे। लेकिन जब वो वापस रूम में आता है तो वो देखता है कि लॉरेन शूट के लिए रेडी थी, और आरजे के रूम में आते ही वैन उसे कैमरा पकड़ा देता है, यानी कि अब आरजे को अपनी गर्लफ्रेंड को ही इस तरह शूट करना पड़ेगा। यहाँ आरजे ये सब शूट तो करता है लेकिन उसके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही वियर्ड होता है, इसलिए वो पहले तो बहुत रोता है और फिर रात होते ही वो कार लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने सामने पर्ल दिखती है जिसे देखकर वो रुक जाता है, और आरजे यहाँ पर्ल से बातें करने के लिए उसके पास जाता है, पर पर्ल यहाँ उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। और जब आरजे उसे ऐसा करने से मना करता है तब पर्ल मौका मिलते ही उसे स्टैप करके जान से मार देती है और हंसते हुए वहां से गाड़ी की चाबी लेकर चली जाती है। वहीं लॉरेन की आंख खुलती है और उसे आरजे कहीं दिखाई नहीं देता, जिस पर वो उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। लेकिन तभी वैन वहां आ जाता है, जिस पर लॉरेन कहती है कि शायद से आरजे को मेरा ये काम करना पसंद नहीं आया और वो मुझे छोड़कर चला गया। जिस पर वैन कहता है कि गाड़ी तो यही है, इसका मतलब आरजे भी यही कहीं होगा। इस पर लॉरेन कहती है कि मुझे अंदर से आरजे के लिए घबराहट हो रही है, जिस पर वैन को ना चाहते हुए भी आरजे को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है और दोनों इधर उधर आरजे को ढूंढने लगते हैं। वहीं लॉरेन पर्ल के घर जाती है तो दूसरी तरफ वैन एक जगह चला जाता है जहां जानवरों को रखा जाता था, लेकिन वहां पहुंचते ही वैन के पैरों में एक कील चुभ जाती है। लेकिन तभी वैन को कुछ आवाज सुनाई देती है जिस पर उसे लगता है कि शायद से ये आरजे की आवाज है, और जब उसे ढूंढने के लिए वैन एक
एक होल से बाहर देखने की कोशिश करता है, तब अचानक से पर्ल उसकी आंखों में कुछ घुसा देती है जिससे वेन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम हार्वर्ड को देखते हैं जो लॉरेन को बताते हैं कि उसकी वाइफ भी मिसिंग है, और फिर वो यहाँ लॉरेन को सजेस्ट करता है कि वो जाकर बेसमेंट से टॉर्च लेकर आए। उसकी बातों को सुनकर लॉरेन जैसे ही बेसमेंट में जाती है कि तभी हार्वर्ड उसे वहाँ बंद कर देता है। यहाँ लॉरेन को टॉर्च तो मिल जाती है लेकिन अब वो बेसमेंट में ही कैद हो जाती है, और जब वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है तब उसे एक हैंग करता हुआ डेड बॉडी दिखाई पड़ता है जिसे देखकर लॉरेन डर जाती है और डर के मारे वो चीखने लगती है। वहीं हम पर्ल को देखते हैं जो वेन को छुपा देती है, और इधर लॉरेन की आवाज़ सुनकर जैक्सन की भी नींद खुल जाती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है शायद से उसने अभी जो चीख सुनी वो उसका वहम था, और वो जाकर किचन से पानी पीने लगता है। तभी उसे बाहर हार्वर्ड दिखाई पड़ता है, और पूछने पर हार्वर्ड बताता है कि उसे उसकी वाइफ कहीं नहीं मिल रही, और वो यहाँ जैक्सन को उसकी मदद के लिए बोलता है। इस पर जैक्सन मान जाता है और दोनों पर्ल की तलाश करने लगते हैं। वहीं इधर पर्ल मैक्सिन के रूम में आ जाती है और वो उसके साथ ही अपने कपड़े रिमूव करके सो जाती है और उसे यहाँ वहाँ टच करने लगती है। वहीं लॉरेन जो अब तक बेसमेंट में बंद थी वो वहाँ से निकलने के लिए इधर उधर रास्ता तलाश कर रही होती है। वहीं हार्वर्ड जैक्सन को एक लेक के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ बहुत आए और सारे मारे गए, और इतना कहकर हार्वर्ड उसे शूट कर देता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब मैक्सिन की आंखें खुलती है तब वो अपने साथ पर्ल को देखकर डर जाती है और वो डर के मारे चीखने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर बॉबी भी अपनी नींद से जागती है और वो मैक्सिन के पास भागते हुए आती है, लेकिन अब तक पर्ल वहाँ से जा चुकी थी। इधर जब लॉरेन बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ हार्वर्ड आ जाता है और वो लॉरेन के हाथ को जख्मी कर देता है और कहता है कि चुपचाप से इसी बेसमेंट में रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इन सब से लॉरेन घबराकर चीखने लगती है, जिस पर हार्वर्ड टीवी के वॉल्यूम को तेज कर देता है। वहीं बॉबी जैक्सन को ढूंढते हुए उसी लेक के पास पहुंचती है जहां उसे पर्ल दिखाई पड़ती है जिसने कुछ भी नहीं पहना होता है, जिस पर बॉबी उसे एक ब्लैंकेट से ढक देती है और उसे वहां से चलने का बोलती है, जिस पर पर्ल बॉबी को स्लैप करके उसी लेक में धक्का दे देती है जहां कई सारे मगरमच्छ होते हैं और वो बॉबी को जिंदा ही खा जाते हैं। तभी वहाँ हार्वर्ड भी आ जाता है और वो यहाँ पर्ल से पूछता है कि क्या ये वही लड़की थी जो तुम्हें पसंद आई। इस पर पर्ल मना कर देती है और फिर वो मैक्सिन के तरफ आने लगती है। मैक्सिन यहाँ पर्ल को अपने पास आते हुए देख लेती है और वो फौरन वहाँ छुप जाती है। तभी पर्ल वहाँ आ जाती है लेकिन उसे मैक्सिन कहीं नजर नहीं आती, जिसके बाद हार्वर्ड और पर्ल मिलकर मैक्सिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मैक्सिन उन्हें नहीं मिलती तब दोनों थक कर बेड पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर्ल अपने हस्बैंड हार्वर्ड से पूछती है कि क्या मैं अब भी तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। जिस पर हार्वर्ड कहता है कि तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही खास हो जितनी तुम पहले थी, और ये कहने के बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ उसी बेड के नीचे मैक्सिन भी छुपी हुई थी और वो मौका पाते वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही भागते हुए अपने कार तक पहुँचती है कि तभी उसे वहाँ पर आरजे की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। यहाँ उसे कार के कीज नहीं मिलते जिसे लेने के लिए वो हार्वर्ड के घर में जाती है, जहाँ पहुँचते उसे लॉरेन मिलती है जिसे मैक्सिन बेसमेंट से बाहर निकालती है, लेकिन यहाँ बाहर आते ही लॉरेन भागते हुए बाहर जाती है और तभी हार्वर्ड उसे दूर से शूट कर देता है। ये देखकर मैक्सिन फिर से छुप जाती है और वहीं पर मैक्सिन को एक गन भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हार्वर्ड लॉरेन को घर के अंदर घसीटते हुए लेकर जा रहा था तब लॉरेन खांसने लगती है। यहाँ पहले हार्वर्ड को लग रहा था कि लॉरेन मर चुकी है लेकिन वो जिंदा थी, और ये देखकर हार्वर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे जब पर्ल देखती है तब वो दुखी हो जाती है। इधर मौका का फायदा उठाकर मैक्सिन पर्ल पर गन पॉइंट करके उसे गाड़ी की चाबी मांगती है, जिस पर पर्ल उसे गाड़ी की चाबी दे देती है। अब मैक्सिन यहाँ पर्ल को शूट करती है लेकिन उस गन में तो बुलेट्स ही नहीं थे, जिस बात का फायदा उठाते हुए पर्ल हार्वर्ड के गन को मैक्सिन पर चलाती है, पर उसके फोर्स की वजह से खुद ही दूर गिर जाती है जिससे वो घायल हो जाती है, और ये देखकर मैक्सिन उसके पास जाती है और फिर वो उसे अपने गाड़ी से कुचल देती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पुलिस अपनी छानबीन करती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।